क्योंकि मैं इसको एक वर्क इन प्रोग्रेस समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो एक आमंत्रण है सबको कि जिनके पास भी ऐसी यादें हैं वो सब संजोना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर कंट्रीब्यूट करें और इससे जुड़ें, देखें कि भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है, दर्द को याद रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दर्द भूल जाता है तो उससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये इन्होंने, किशोर जी ने और उनकी टीम ने, मल्लिका ने, इन्होंने प्रयास किया है, ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है और कोशिश है कि जो लोग आज हैं, अभी जीवित हैं, वो आकर इससे जुड़ सकें और अपनी यादें दे सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, देखिए, ज़्यादातर म्यूज़ियम जो बनते हैं वो काफ़ी देर में रियलाइजेशन की बात बनते हैं कि भाई अभी एक म्यूज़ियम बनाया जाए, पहले ऐसा हुआ था। ये जो म्यूज़ियम बन रहा है, ये म्यूज़ियम तब बन रहा है जब इससे जुड़े हुए लोग, जिनके लिए ये मतलब रखता है, वो अब भी ज़िंदा है। ज़्यादातर म्यूज़ियम आप देखेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या, उसके म्यूज़ियम आप कलेक्ट करते हैं, बहुत देर में आपको रियलाइज़ होता है। तो मुझे लगता है कि ये देराए दुरुस्त आए वाला म्यूज़ियम है कि एक उस वक्त में रियलाइज़ हो रहा है जब लोग अपनी यादें बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसे अनुभूत सत्य कहते हैं, एक फर्स्ट हैंड ट्रूथ, मैंने जो भोगा है, वो जो भोगा हुआ सच है वो यहाँ पे दिखता है। तो इसलिए किताबी बात नहीं लगती, भोगा हुआ सच दिखता है और इसलिए आपको छू भी जाता है, कई बातें आपको छू जाती हैं। और मानवीय जो संवेदना होती है, उस मानवीय संवेदना से आप जुड़ते हैं और मानवीय संवेदना से जब भी इंसान जुड़ता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। आपका कभी हृदय कुछ कहता है, ये क्या फील आता है? नहीं, कभी हृदय तो यही कहता है कि पीड़ा की अनुभूति होती है और ज़रूर उन लोगों का दर्द, आप जिसे कहते हैं ना अंतर मन तक उसको महसूस कर पाते हैं, वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं, वो भावनाओं का एक गुच्छा बन जाती है, वो उसका धागा धागा आप छू सकते हैं, उसका खुरदरापन आप स्पर्श कर सकते हैं, वो यहाँ पर अब एक संदूक नहीं रह जाता, एक मेज़ नहीं रह जाती, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें वैसे क्या हैं, आप देखें एक संदूक क्या है, अपने आप में एक मेटल का, किसी धातु का टुकड़ा है और उसी संदूक में किसी की खुशबू, किसी का बचपन, किसी की जवानी, किसी के सफ़र खुलते ही झांकने लगते हैं और एक भपका आता है यादों का। भपका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे भपका ही लगता है और आप एकदम चमत्कृत हो जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्द की अधिकता है, यहाँ पर प्रेम की भी अधिक, आपका एक पक्ष दिखाई देता है।